हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका जो NVS JSE की 2024 के लिए वैकेंसी निकली, इसमें NVS JSE का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ 2019 का हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें मैं अपने मार्क्स बताऊंगा और मेरा रिजल्ट क्या रहा था इस PDF में, वो आपको दिखाऊंगा। 2019 में एज अ सेलेक्टेड हूँ इन NVS JSE में, ठीक है। पूरा डिटेल में कट ऑफ डिस्कस करेंगे। UR का मिनिमम कितना गया था, मैक्सिमम कितना गया था, OBC का कितना गया था, SC ST सबका हम कट ऑफ यहाँ पर देखने वाले हैं। और उस समय बताऊंगा कि पेपर का लेवल क्या था, क्या रहा था, कितनी पोस्ट पर ये भर्ती निकली थी और कितने बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट किए गए थे, ठीक है। तो ये 2019 का है। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको 2022 का भी कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, क्योंकि ये आपका एग्जाम तब से 2 बार हो चुका है। एक 2019 में हुआ था और एक आपका 2022 में हुआ था, ठीक है। एक सेकंड, ये वाला देखिए, ये 2022 का कट ऑफ था। ये वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, अगर नहीं देखी है तो चैनल पर जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा नवोदय विद्यालय था, जवाहर नवोदय विद्यालय धेमाजी असम, यहाँ पर मैं पोस्टेड था, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ऑल अदर पोस्ट जितनी भी, इस वीडियो में मैं JSE का कट ऑफ 2019 वाला बता दूंगा, 18 में भी इसका रिक्रूटमेंट हुआ था वो भी बता दूंगा, और आगे आने वाले वीडियोज़ में ऑल अदर पोस्ट जितनी भी है आपकी, जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें कई सारी वेरियस पोस्ट पर, जैसे JSE MTS ESO स्टेनो है ना, ऑडिट असिस्टेंट हो गया आपका, फीमेल असिस्टेंट हो गया, लीगल असिस्टेंट, ठीक है। तो इसमें से कुछ जो पोस्ट हैं उनके कट ऑफ अवेलेबल है, तो वो मैं कट ऑफ आपको वन बाय वन करके डिटेल में बताता चलूंगा, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं ढेर सारी अपडेट आपको देते जा रहा हूँ, जैसे कि मैं देखिए यहाँ पर MTS के बारे में पूरी एक प्रॉपर रिगार्डिंग जानकारी देती है, HVS क्वालिफिकेशन सिलेक्शन ड्यूटी क्या होती है, मतलब क्या काम करना पड़ता है, जॉब प्रोफाइल सैलरी वगैरह सब कुछ बता दिया है। पर्टिकुलर 13 पोस्ट है, 13 पोस्ट के बारे में अलग अलग एक पर्टिकुलर डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी इसको क्लैरिफाई करने में। हालांकि मैंने ओवरऑल वीडियो एक बनाया था जिसमें 13 पोस्ट का एक बार में बता दिया, फिर मैंने सोचा कि आपने, आपके कमेंट आ रहे थे कि भैया थोड़ा अलग अलग बना दीजिए, तो मैंने JSE का भी अलग बना दिया था और MTS का भी। आगे आने वाली वीडियो में मैं हेल्पर वगैरह लेवल अटेंडेंट सबका अलग अलग बता दूंगा, और क्या इनका वर्क प्रोफाइल, मतलब सारा कुछ चीज़ें इनकी जो है अलग अलग किस तरीके से चलती है, सारा कुछ मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताते जाऊँगा। ढेर सारी वीडियोज़ प्रिपरेशन आपको कराने वाला हूँ, बेस्ट स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी किस तरीके से आपको बनाना चाहिए, बेस्ट बुक्स, बेस्ट टीचर कौन से होते हैं, सारा कुछ आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और जो मेरे द्वारा आपकी GK GS की प्रिपरेशन कराई जाएगी वो इस चैनल पर कराई जाएगी, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर GK। लास्ट में GK जोड़ देना, दोनों चैनल के नाम मेरे सेम है, बट जो स्टडी वाला चैनल है उसके पीछे GK लगा हुआ है, तो इसको जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर डाल देना द एग्जाम GK, ये वाला लोगो आ जाएगा, इसको सब्सक्राइब कर लेना, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते, ठीक है। कल रात को मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन कराया था JNVS JSE का, 9 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। इसका सेकंड, इसमें मैथ छोड़ दिया मैंने, तो मैथ्स का सॉल्यूशन करा दूंगा, बाकी 5 सब्जेक्ट मैंने पूरे करा दिए हैं। इसके अलावा इसका सेकंड शिफ्ट भी हुई थी 2022 में, वो भी कराऊंगा। इसके अलावा 2019 में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, वो भी मैं आपको इस वीडियो में, आगे आने वाले वीडियोज में पल पल पर करा दूंगा। इसके अलावा MTS के देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पेपर दिए थे, ये देखिए 2022 में एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, NVS MTS का भी और NVS ESO का भी। ये मेरी खुद की आंसर कीज है पर्सनल, NVS JSE की तो मैंने कल ही आपको दिखा दी थी, ठीक है। तो ये भी आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको वन बाय वन, ठीक है, जो मेरा सेकंड चैनल जहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखिए मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको क्या है इजिली यहाँ पर दिख जाएगा चीज़ें, ठीक है। ये देखिए, ये मैं अपने चैनल पर जा रहा हूँ और यहाँ से मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है, चीज़ों को भाई क्या खुल रहा है, एक सेकंड रुको। ये आप मेरे चैनल पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ वीडियोज़ के सेक्शन में जाएंगे, वीडियो के सेक्शन में देखिए, कल ही मैंने ये पेपर कराया पूरा, ये देखिए है ना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना जाके, ठीक है, पहली बार में, ओके। चलिए तो ये मैं आपको कराने वाला हूँ, ओके, चलिए तो वीडियो देख लेना जाके, नहीं देखिए तो। इसके अलावा ये देखिए, GK GS कंप्यूटर हिंदी की क्लासेस आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, है ना। मैथ रीजनिंग की हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कराए, तो इंग्लिश की भी हम कोशिश करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर का पेपर एंड कट ऑफ मैं आपको डिस्कस करते जा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो डे बाय डे आपको वीडियो मिलते जाएंगे, अभी हमारे पास काफ़ी समय, तो धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा। बेस्ट बुक और बेस्ट टीचर, डिटेल्ड सिलेबस क्या रहेगा अलग अलग पोस्ट के लिए, ये वीडियो भी आपको जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में मिलती जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जुड़े रहना है, और मेरे मेरा चैनल है टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द एग्जाम, एक बार इसको भी ज्वाइन कर लेना, नीचे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको पहले से जानकारी चाहिए तो जो मेरा मेन चैनल है द एग्जाम पर, उस पर आएंगे, NVS की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर 174 वीडियोस अवेलेबल है NVS से रिलेटेड, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आपके बहुत सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ तो मैंने डाल ही दिया था, ये मेरे ऑफिस का टूर का एक वीडियो, वो भी आपको NVS की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम है जो कि मैंने क्लियर किया हुआ, ठीक है। ये टेलीग्राम है, इसको जाके ज्वाइन कर लेना, और वर्तमान में भारतीय रेलवे में एज अ वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको,
कि अगर आपको इसके मॉक टेस्ट वगैरह देने, तो आप टेस्ट बुक से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए एमटीएस के मॉक टेस्ट हैं, इसके अलावा और अदर पोस्ट है, जैसे कि देखिए एनवीएस टीजीटी हो गया, लेबर अटेंडेंट हो गया, कैटरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर हो गया, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट हो गया, फीमेल स्टाफ हो गया, है ना, मेस हेल्पर हो गया, सारे के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर? टेस्ट बुक पर मिल जाएंगे। अभी इस पर ऑफर चल रहा है, 699 वाला पास जो आपको 349 में मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड V1NW47 डालना पड़ेगा। इस पे भी डिस्काउंट आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब आपको परचेस करना है तो परचेस कर लेना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका दे दिया, ठीक है। चलिए तो हम कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ हमारा रहा था। ये जानकारी आपको देना आवश्यक थी, इसलिए मैंने ये दे दी, ठीक है। तो ये PDF है, ठीक है, 2019 की। मैं अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कितना कितना कट ऑफ गया हुआ, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये हमारा जो रिजल्ट है 2019 में पेपर हुआ था, और जो रिजल्ट आता है हमारा 22 अक्टूबर 2022 को, जहाँ मुझे याद है उस दिन जो है धनतेरस का दिन था, और फाइनली रिजल्ट मिलता है। और धनतेरस आपको मालूम है, जिस दिन धन की वर्षा तो नहीं हुई, मतलब एक धन से भी बड़ी चीज की वर्षा हो गई इस दिन, तो अपने आप ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो NVS रिक्रूटमेंट ट्रैप जुलाई 2019 फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल, जुलाई 2019 में इसका नोटिफिकेशन निकलता है, और फाइनली आके इसका जो फाइनल हमारी ज्वाइनिंग है वो 22/10/2022 को हो जाती है, ठीक है, 22/22 को हो जाती है, ओके। चलिए और ये देखिए, ये टोटल हमारा 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, है ना। ये रिक्रूटमेंट निकली थी, इसका पेपर वगैरह क्या हुआ था पूरी यहाँ पर जो है डिटेल वगैरह लिखी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, किस किस तरीके से रिजल्ट यहाँ पर बना हुआ है। ये रोल नंबर है, ये नेम ऑफ कैंडिडेट है, ये उसका जेंडर है, ये सोशल कैटेगरी है ना, और यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर, ध्यान रखना नॉर्मलाइजेशन हुआ था, क्योंकि आपका जो पेपर है टोटल 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये 1 डे 3 शिफ्ट, है ना, दो दो घंटे के स्तर पर 3 शिफ्ट हुई थी पर डे में, ठीक है, और एक ही दिन पेपर हुआ था 3 शिफ्ट में, ठीक है। चलिए ये शॉर्टलिस्टेड अंडर कैटेगरी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, सोशल कैटेगरी क्या है और किस कैटेगरी में इन्होंने क्वालिफाइड किया है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और जो ये रिजल्ट है ना दोस्तों, ये रिजल्ट कैटेगरी वाइज है, ठीक है, कैटेगरी वाइज, और कैटेगरी में भी रैंक वाइज, ठीक है, कैटेगरी में रैंक वाइज है, यानी कैटेगरी में जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, कैटेगरी में रैंक वाइज, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, मतलब कैटेगरी वाइज है, जैसे यू आर यू आर यू आर हो गया, और यू आर में जो हाईएस्ट नंबर वाला है उसको सबसे ऊपर, लोएस्ट नंबर वाला है उसको सबसे नीचे रखा गया, ठीक है। तो कैटेगरी के अंदर रैंक वाइज ये रिजल्ट हमें दिया गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अंकित हैं, इनके 113.846 जो यू आर से बिलोंग करते हैं, चिराग हैं, इनके भी सेम नंबर है, इसके अलावा परमजीत है, इनके भी सेम नंबर है। टोटल आपका जो पेपर हुआ था दोस्तों 120 मार्क्स का हुआ था, 120 मार्क्स, ठीक है, 2019 में जो पेपर हुआ था 120 मार्क्स का हुआ था, जिसमें से आपके 113.846 यू आर की कट ऑफ हुई थी हाईएस्ट, ठीक है, दो तीन बंदों के बराबर थे, फिर 113.134, फिर 112.821 OBC के थे, जो कि इन्होंने यू आर की कैटेगरी से क्वालिफाइड किया था, ठीक है। तो 120 मार्क्स का था उस समय, 2022 वाले कट ऑफ में मैंने आपको दिखाया था कि वहां पर 130 का पेपर था, ठीक है, और जो 2019 में पेपर हुआ था, मैं इसका आपको पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा पूरा, द एग्जाम पर जीके पर, उसको सब्सक्राइब कर लेना, तो उसमें बताऊंगा कि उसका लेवल क्या रहा था। 2022 का मैं पेपर आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, और उसका लेवल बताया था कि उसकी इसका लेवल क्या रहा था, ठीक है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है, यहाँ पर नंबर में केवल 10 नंबर का, बट अगर हम देखें कि क्वेश्चन पूछने के तरीके में काफी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला था। चलिए यू आर का हाईएस्ट कितना गया, 113.84, ठीक है, ये 2019 का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, 120 में से, ये 120 में से ध्यान रखना, है ना। लास्ट हम अगर यू आर का देखें तो आपको यहाँ पर देखेगा कि यू आर का लास्ट जो सिलेक्शन हुआ वो 102.317 पे हुआ, ठीक है, तो यू आर का लास्ट बंदा 102 पे गया है, 113 पे हाईएस्ट गया है, 120 में से, है ना, यानी 100+ कट ऑफ यहाँ पर गई है 120 मार्क्स में से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। दूसरी बात, ये एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ध्यान रखना, है ना, इस बंदे के, और हमारा क्या मतलब 3 शिफ्ट में पड़ता है, इसमें नॉर्मलाइजेशन कम हुआ था, ठीक है, इसमें थोड़ा मिड में हुआ था, और सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा है वो 3rd शिफ्ट वालों को मिला था, और इसमें भी मेरा भी पड़ता था, क्योंकि पेपर का स्तर जो है यहाँ पर थोड़ा लो था, यहाँ पर कठिन किया, यहाँ पर सबसे कठिन पेपर जो है कर दिया गया, है ना, इस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो रहा था, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन का फायदा सबसे लास्ट वाली जो शिफ्ट थी उसको देखने को मिला। हो सकता है इस बंदे के जो नंबर है वो 95, 92 इस तरीके से रहे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 5 से लेकर 15, 20 नंबर तक भी हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पर मिले थे, ओके। तो यू आर का मिनिमम था 102 नंबर। वहीं हम EWS की बात करें तो हाईएस्ट देखिए तो 99.99, यानी कि लगभग 100 ही आप कह सकते हैं। अगर हम EWS की कैटेगरी में मिनिमम देखें तो यहाँ पर देखें 94.373 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली, ठीक है, तो 94 से कितना 99, ये नॉर्मलाइज है फिर बोल रहा हूँ, यानी कि नंबर बड़े थे, इसका जो कट ऑफ है वो लगभग 88 या 89 के आसपास देखने को मिला था, ठीक है। और दोस्तों बता दूँ, टोटल 152 वैकेंसी पोस्ट निकले थे, ठीक है, 2019 में, और जो बच्चे सेलेक्ट किए गए वो भी 152 ही सेलेक्ट किए गए, यानी कि एक पोस्ट पर एक ही बंदे को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया, कोई भी ज़्यादा कोई भी कम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया था। OBC की बात कर ले तो 112.782 हाईएस्ट गया था,
अगर ओबीसी में हम मिनिमम करें, मिनिमम बात करें, तो ओबीसी में 94.373 यहाँ पर मिनिमम गया था, ठीक है। तो मिनिमम तो ईडब्ल्यूएस के बराबर है, मैक्सिमम में ओबीसी आगे निकल जाता है। फिर बोल रहा हूँ नॉर्मलाइज स्कोर है, इसमें आप 4-5 नंबर कम करके ही चलिएगा कट ऑफ को, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एससी का हाइएस्ट कितना गया था। तो एससी का 105.64 पॉइंट हाइएस्ट गया था, और अगर हम लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट आपका एससी का गया था 91.853 नंबर, ठीक है। मैं अपने मार्क्स बताऊंगा, ये रहा मेरा मार्क्स, ठीक है, 128वें रैंक है ना। अगर मेरी एससी कैटेगरी में देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6, ये वही 7 और 8, ठीक है, ये पीएच कैटेगरी में, इसको भी काउंट कर लेंगे तो 9 नंबर हो जाएगा मेरा, 9th नंबर हो जाएगा। और जो पोस्ट निकली थी एससी के लिए वो 22 निकली थी, ठीक है। तो इस तरीके से था, टाइपिंग में मेरा जो नंबर था वो 19 था 22 में से, ठीक है, टाइपिंग के लिए जब लिस्ट आई थी। फिर जब डीवी हुआ, टाइपिंग हुआ, टाइपिंग के बाद और ये कम हुई, और डीवी में जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें मेरी 9th रैंक हो गई थी, ठीक है। तो ये मेरा स्तर है, ये मेरे नॉर्मलाइज मार्क है 95.3341, और जो मेरा रॉ स्कोर था वो था 89 नंबर, ठीक है। 89 से कितना हो गया 95, तो लगभग 6, 6.5 नंबर मेरे यहाँ पर बढ़ गए थे, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, ओके। चलिए एसटी कैटेगरी का हाईएस्ट गया था 93.33%, और यहाँ पर एसटी का लोएस्ट गया था 86.035, यानी कि 80 आप मान सकते हैं अगर विदाउट नॉर्मलाइजेशन हम लगाएं तो, ठीक है। तो ये कुछ पूरी कट ऑफ थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दी है, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। मैंने अपना रिजल्ट दिखा दिया, कट ऑफ बता दी कितनी जाती है, कैसे जाती है। ये 2019 का था, 2022 का कट ऑफ देखना है आपको तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ये वाला है ना, 2022 का बता दिया, इसमें क्या सिनेरियो था, किस तरीके से चीज़ें हुई थी, ठीक है। बाकी सिलेबस सब उस समय सेम था, सब कुछ समय, थोड़े लेवल का फर्क यहाँ पर पड़ा था, ठीक है। तो ये ढेर सारी वीडियोज है, बाकी जाके चैनल पर विजिट कर लेना, द एग्जाम पर जी को जरूर फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।